Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine. कैसे हो सब? अच्छे? Did you learn yesterday's homework? What was the homework? Small letters A, B, C, D. Very good. A से लेके D तक सबको याद हो गया क्या? Yes, very good. ओके आज हम सीखेंगे ई एफ जी एच. ओके ऑल ऑफ यू लुक हियर. सब अपना फोर लाइन की बुक निकाल के रखो, पेंसिल लेना हाथ में और मिस के साथ साथ आपको भी लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, सी हियर, विच लेटर इज दिस? दिस इज कैपिटल लेटर ई. ओके दिस इज ई. नेक्स्ट F, G, H, okay? This is capital E. और इधर हम क्या लिखेंगे? Small letter E लिखेंगे. Okay? Let's start. ध्यान से देखना, देखो ये दोनों लाइन का बीच में आपको एक छोटा सा स्लीपिंग लाइन बनाना है. Okay? सब लिखो मिस के साथ. छोटा सा स्लीपिंग लाइन बना लिया, फिर आपको देखो इधर से इसको घुमाना है, ऐसे घुमा के कर्व, देखो ऐसे बनाना है आपको. क्या बन गया? स्मॉल लेटर ई. और बनाओ आप स्लीपिंग लाइन. फिर क्या करना है स्लीपिंग लाइन बनाने के बाद? हाँ, इसको ऊपर देखो ऐसे घुमाना है, कर्व कर्व बनाना है. ओके दिस इज स्मॉल लेटर ई. ओके आ गया सबको? और लिखो ई, लिखो सब. कैसे लिखना? स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन बनाना है, फिर घुमा के देखो ऐसे कर्व बनाना है हमको. स्मॉल लेटर ई आ गया सबको? लिखो सब इसके साथ स्मॉल लेटर ई. ई फॉर elephant. Okay, E for elephant. This is capital letter E. This is small letter E. E कैसे लिखना है समझ में आया है क्या? देखो sleeping line बनाना है, फिर देखो इसको ऊपर करके घुमाना है, देखो curve बनाना है. E. Okay. E for elephant. The next, which letter is this? This is F. Okay, capital F. बोलो इधर हम क्या लिखेंगे? Small letter F लिखेंगे. Okay, देखना ध्यान से, देखो ऊपर की लाइन से शुरू करना है आपको. Okay, टॉप से स्टार्ट करना है, फिर इसको नीचे तक लेकर आना, देखो नीचे तक लेकर आना, द कर्व बनाना है. ओके आ गया समझ? ऊपर से शुरू करना स्टैंडिंग लाइन बनाना, देखो फिर इधर कर्व और इधर आपको स्लीपिंग लाइन खींचना है. बन गया? एक बार और बना लीजिए. ऊपर से शुरू करना, देखो लास्ट में आपको एंड करना है. चारों लाइन में मिला के लिखना है F. ओके इधर भी लिख दीजिए आप F. ओके स्मॉल लेटर F. बोलो बोल के लिखो स्मॉल लेटर F. विच लेटर इज दिस? दिस इज F. स्मॉल लेटर F. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया है क्या कैसे लिखना है? नेक्स्ट विच लेटर इज दिस? दिस इज कैपिटल लेटर G. Okay, this is capital letter G. अब बोलो इधर हम क्या लिखेंगे? Small letter G लिखेंगे. Okay, क्या आपको पता है कैसे लिखना है small letter G? मालूम है क्या? मालूम है, very good. अब बोलो कैसे लिखेंगे हम? Curve बनाएंगे. देखो याद है क्या सबको, कल अपन ने A कैसे लिखा था? हाँ, कर्व बनाया, कर्व बना के ऊपर तक ले गया था इसको, है ना? इसको भी ऊपर तक ले जाना है, फिर
नीचे की लाइन तक लेकर आना, इधर कर्व बनाना है। देखो आ गया समझ, कर्व बनाना है। फिर इसको कहां से स्टार्ट हुआ है वहां तक आपको लेकर आना है इसको, ओके, घुमा के इसको इधर तक लेकर आना, फिर नीचे की लाइन तक। देखो लेके इसको क्या बनाना है, इधर कर्व बनाना है, ओके आ गया समझ। और लिखो, कर्व बनाना, फिर क्या करना, इसको इधर तक ज्वाइन करना। देखो ज्वाइन कर दिया, फिर क्या करना है, इसको इधर से देखो फोर्थ लाइन तक लेकर आना है आपको, आ गया समझ। लिखो आप, दिस इज स्मॉल लेटर जी। जी कैसे लिखना है, कर्व बनाना, फिर इसको इधर तक लेकर आना, फिर क्या करना, इसको फोर्थ लाइन तक, देखो ऊपर से सेकंड लाइन से फोर्थ लाइन तक लेकर आना, इधर घुमाना है, ओके। लिखो आप, दिस इज स्मॉल लेटर जी। समझ में आया है क्या, कैसे लिखना है, कर्व बनाना है, फिर क्या करना, इसको इधर देखो मिलाना, ज्वाइन करना, फिर इधर से देखो लास्ट लाइन तक लेकर आना है, घुमाना, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज स्मॉल लेटर जी। समझ में आया है क्या, जी कैसे लिखना है। नेक्स्ट, विच लेटर इज दिस, दिस इज एच, कैपिटल एच। और इधर हम क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर एच लिखेंगे, ओके, इधर हम क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर एच। एच कैसे लिखेंगे, देखो ऊपर से शुरू करेंगे स्टैंडिंग लाइन, फिर क्या करेंगे, इसी लाइन से ऊपर जाना आपको, देखो ऐसे करके इधर घुमाना है, देखो आ गया स्टैंडिंग लाइन बनाना, फिर इसी लाइन से ऊपर आना आपको, ऊपर आके देखो ऐसे कर्व बनाना है, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज एच, देखो दिस इज एच। और लिखने के टाइम ध्यान रखना, देखो फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है और थर्ड लाइन में स्टॉप करना है, ओके, स्टैंडिंग लाइन कर्व, ओके, दिस इज एच, एच फॉर हैट। आ गया सबको, से नाउ वी विल रीड वन टाइम, ओके, ई एफ जी एच, ओके, ई एफ जी एच, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फ्रॉग, जी फॉर ग्रेप्स, एच फॉर हैट, ओके, समझ में आया है क्या, ई एफ जी एच कैसे लिखना है। और आप सुनो ध्यान से, ओके, लिसन केयरफुली, आपके पास बुक है ना सेकेंड सेमेस्टर का, प्री प्राइमर टेम सेकेंड, ओके, लिखा हुआ है, आप बुक निकाल दीजिए, देखो पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 में आपको रिविजन दिए हुए है, रिविजन ए टू ओ, ओके, ये देखो आप, ट्रेस से लाउड एंड राइट, ओके, आपको बोल बोल के, जोर से बोल बोल के ये लिखना है, इधर लेटर्स दिए हुए हैं ए से लेके एच तक, ओके, कैपिटल लेटर ए से लेके एच तक आपको आज होमवर्क करना है, ओके स्टूडेंट्स, बेडी बुक में आपको लिखना है ए से लेके एच तक लिखना, ओके, नीचे आई से ओ तक है वो आज नहीं लिखना आपको, आज का होमवर्क क्या है, ए से लेके एच तक मेरी बुक में लिखना है, ओके, और आपकी 4 लाइन की छोटी बुक है ना उसमें ये होमवर्क करना है आपको, और 72 नंबर डालना छोटी बुक में, 4 लाइन की नोटबुक में आपको ये लिखना है, ओके, क्या क्या लिखेंगे, ई एफ जी एच, ओके स्टूडेंट, समझ में आया है क्या सबको, आपको लिखना है, ओके, यू हैव टू लर्न दिस, लिख के बोल बोल के लिखना, लिख के याद कर लेना, ओके।